कर दो करम मुर्शदे मोहतरम कर दो करम मुर्शदे मोहतरम तुमको भेजा गया है करम के लिए कर दो करम मुर्शदे मोहतरम तुमको भेजा गया है करम के लिए इस दरगाह शरीफ के बारे में पूरी तफसीर से बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इस दरगाह के मुतालिक आपके जो सवालात हैं इंशाअल्लाह ताला ये हकीर उसको देने की कोशिश करेगा। पहली बात तो ये है कि ये हज़रत दीवान शारज़ानी एक पाया के बुज़ुर्ग चैयद आलिम दीन और ऐसे सूफ़ी जो अपनी ज़िंदगी में भी लोगों को फैज़ पहुँचा रहे थे और आज भी उनके रोज़े से लोग फैज़ पा रहे हैं। अब हज़रत दीवान शारज़ानी की खानकाह की तरफ आप रुख करेंगे तो खानकाह को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये खानकाह कदीम वक्तों से मौजूद है इस पटना की सरज़मी पर और जिसमें कि हज़रत दीवान शारज़ानी अली रहमा पहले इस खानकाह के बानी हज़रत दीवान शारज़ानी हुए, उसके बाद सरकार के खलीफा हज़रत शाह शुजावल हुए। इसी तरह सिलसिला दर सिलसिला सज्जादगी का चला। ये आपको बता दूँ मैं कि ये खानकाह अबाइया नहीं है बल्कि खुलफाइया है। ये औलाद दर औलाद नहीं चला है बल्कि खलीफा दर खलीफा चला है, क्योंकि सरकार हज़रत दीवान शारज़ानी अली रहमा ने, जहाँ तक मेरा इल्म पहुँचता है कि आपने शादी नहीं की थी, तो आपने पहली खिलाफत पहला खलीफा जो बनाया वो हज़रत शुजावल शाह अली रहमा को बनाया। हज़रत शुजावल शाह आपके पहले खलीफा भी हुए और हज़रत शाह शुजावल आपके बाद आपके जानशी भी हुए। तो ये बात है हज़रत दीवान शारज़ानी। आप मेरा जहाँ तक इल्म पहुँचता है कि आप ईरान से चले थे, ईरान के थे। आपकी कई किताबें जो है वो पश्तू जमान में है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि मदीने शरीफ से आए, कुछ लोग ये कहते हैं पाकिस्तान से आए। देखिए असल में जो बुजुर्गान दीन होते हैं उनका गश्त होता रहता है, जहाँ का बुलावा होता है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है। जैसे कि हज़रत दीवान शारज़ानी मदीना शरीफ पर बैठे थे, एक किताब जलवा अरज़ानी में कुछ हवाले के साथ ये बात मौजूद है कि जब अकबर ने दीन इलाही का एक नया फितना लोगों तक किया और उस मामले को लेकर बहुत से लोग बददीन होने लगे, अकबर के जुल्म व सितम से घबरा कर असल दीन को छोड़कर अकबर वाले दीन की तरफ वो मुतवज्जा हो गए, तो हज़रत दीवान शारज़ानी को सरकारे दो आलम सैयद कुल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इशारा हुआ। आपने फरमाया कि जाओ अरज़ानी और मेरे लाए हुए दीन की मुहाफ़िज़त करो। तो हज़रत दीवान शारज़ानी उस वक्त मदीने में थे, फिर हज़रत दीवान शारज़ानी इस तरफ आए और हज़रत दीवान शारज़ानी आने के बाद यहाँ लोगों को दरस व तदरीस का मामला भी किया और अकबर के ख़िलाफ़ एक जंग का ऐलान किया, जिस जंग में कई लोग सरकार दीवान शारज़ानी के हमराह जो थे वो भी शहीद हुए। लेकिन सरकार हज़रत दीवान शारज़ानी ने उस वक्त तक जंग को जारी रखा जब तक कि अकबर उस दीन वो नया लाया हुआ दीन से वो पीछे ना हटा। फिर हज़रत दीवान शारज़ानी को उसमें फ़तेह हासिल हुई और हज़रत दीवान शारज़ानी का मामला जी ठीक है बाद में हो जाएंगे। एक सवाल हमेशा से उठता ये रहा है, फातिहा तो लोग घर पे भी पढ़ सकते हैं, दरगाह और मजार पे जाने की क्या ज़रूरत है, ये फूल और चादर चढ़ाने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह को बंदा घर में भी याद कर सकता है, मस्जिद जाने की क्या ज़रूरत है? बात दरअसल ये है कि अल्लाह को तो बंदा हर वक्त याद कर सकता है, लेकिन मस्जिद में साथ पढ़ने का मामला नमाज ज़्यादा सवाब क्यों है? क्योंकि जब इजमाई दुआ होती है लोगों के साथ जो चीज़ की जाती है वो अल्लाह को बड़ा पसंद आता है। हाँ, अल्लाह ने कुछ चीज़ों को फ़र्ज़ किया है जिसके लिए उसको मस्जिद जाना ज़रूरी है और कुछ चीज़ें नफिल है, जैसे तन्हाई की चीज़ भी अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को तन्हाई की चीज़ पसंद है। जैसे तहज्जुद के वक्त
उठता है बंदा, सब सोए रहते हैं, जो उसके खातिर उठता है वही नमाज पढ़ता है। लेकिन ये फ़र्ज़ का मामला है, लेकिन ये फ़र्ज़ का मामला नहीं है कि यहाँ आकर दुआ क्यों की जाती है। यहाँ आकर दुआ इसलिए की जाती है कि हम अपने जब आमाल में झांकते हैं, अपने अंदर जब झांकते हैं तो बहुत कमी महसूस करते हैं, तो हम इनकी तरफ जब देखते हैं तो बहुत फ़ख्र और नाज होता है कि मौला हम तो जानते हैं कि तेरी बारगाह में अगर हम दुआ करेंगे तो शायद ही मकबूल हो, क्योंकि मेरा अमाल इतना गंदा है, लेकिन जिस पर तूने इनाम रखा है हम उसके पास आके इसलिए दुआ करते हैं कि तू उसके सदक़े हमारे गुनाह को नहीं देखेगा, बल्कि वो महबूब के चेहरे के सदक़े हमारे मामलात को हल कर देगा और दुआ को कबूल कर लेगा। ये मामला है। बहुत से लोग जहाँ पास आते हैं जी, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि वहाँ जाके क्या मिलेगा, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो, शिफा देने वाला अल्लाह है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इबादत ना करना, हमने अपने बड़ों से सुना है कि इबादत ना करना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना इबादत पे तकिया लगाना, मतलब उसको फ़ख्र का इजहार करना कि हम अपने ही अमल पर अल्लाह को पा सकते हैं। जी नहीं, बल्कि अगर ये मामला होता तो हज़रत आदम खुद दुआ कर लेते हैं। हज़रत आदम ने वसीला उसके महबूब का पेश किया। आपको पता है याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई चली गई रोते रोते यूसुफ़ की याद में, यूसुफ़ का कुर्ता याकूब के आँख पे रखा गया, यूसुफ़ का कुर्ता याकूब के लिए वसीला बन गया। तो हम लोग बुज़ुर्गों की बारगाह में इसलिए जाते हैं कि वो कुर्बे खुदा में जाने में आसानी होती है। जो चीज़ 7 साल में मिलनी है वो 7 लम्हे में मिल जाती है। फूल और चादर क्यों चढ़ाया जाए? फूल और चादर की दलील है हदीस की रोशनी में। मैं आपको कुछ बता दूं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ जा रहे थे, 2 कब्रों पर अजाब हो रहा था, एक हरी शाख मंगवाई, एक को इस कब्र पर, एक को इस कब्र पर रखता। सहाबा ने पूछा तो सहाबा से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है, ये जब दुनिया में थे तो एक चुगली से नहीं चुगली खाते थे और एक पेशाब के छींटे से नहीं बचते था, दोनों पर अजाब हो रहा है। कहा क्या कि एक चुगली खाता था दुनिया में था और एक पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, तो दोनों पे अजाब हो रहा है। ये जब तक शाख हरी रहेगी इसके लिए वो जिक्र करेगी जो उसका अजाब में कमी आएगी। तो हम फूल इसलिए पेश करते हैं कि ये महबूबीन बंदे हैं और फूल पेश करना शाख, मतलब शाख को सरकारे दो आलम की सुन्नत समझते हैं, तो हम फूल पेश करते थे, इसमें कोई हैरत नहीं है। अगर कोई इसका मुनकिर है, कहता है कि ये पेश करना कहाँ है, तो उससे पूछिए कि स्मार्टफोन चलाना कहाँ है, बुलेट पे घूमना कहाँ है, दूध की चाय नबी के ज़माने में थी, पीते क्यों हो, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो। और अगर इसका कोई कहे कि ये हराम है तो उसको कहिए कुरान में कहाँ पे लिखा हुआ ये हराम है। चादर के बारे में ज़रा रोशनी डालें। चादर के मुताल्लिक कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि जैसे कि चादर पे चादर चल रहा है, उस पैसे का हम गरीब को खाना खिला देंगे, ये बाज़ का नज़रिया है। तो अल्लाह का जो महबूब होता है, महबूब को अल्लाह कभी भी उस हाल में नहीं देखना चाहता है जिस हाल में और लोग रहते हैं। तो ये अल्लाह ही व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा है, वो जिसे चाहता है इज्जत में रखता है, जिसे चाहता है जिल्लत में छोड़ देता है। जब अल्लाह उन्हें इज्जत दे रहा है तो आप और हम चोचा करने वाले कौन होते हैं? उनसे कहिए जो चादर ला रहा है वो भी खुदा की मर्जी से ला रहा है और जो लाने वाला है उसको अल्लाह ही तौफीक बख्श रहा। मेरा नाम सैयद उवैस अहमद अशरफ़ी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पटना का बाशिंदा हूँ, हमारे आबा अजदाद भी यहीं के थे और अल्हम्दुलिल्लाह कई खानकाह से भी हमारा ताल्लुक़ है और सिलसिला अशरफिया में जो मैं दाखिल हूँ, शर्फ़ बैत जो मुझे हासिल है वो कि चौचा मुकद्दसा सैयद शाह फ़खरुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी के वास्ते ही मखदूम सिमना के हम सिलसिले में दाखिल हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।